ज्योति का हनीमून हुआ कैंसिल, नाराज पत्नी को पवन ने कैसे बनाया, जानिए हमारे इस वीडियो में। जब भी किसी की शादी होती है तो पति पत्नी ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, पर आपको बता दें कि पवन और ज्योति के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। पवन ने तो जैसे तैसे करके अपनी शादी के लिए ही वक्त निकाला था, लेकिन शादी होने के तुरंत बाद वो फिर से बिजी हो गए। शादी के एक दिन बाद ही पवन ने दिल्ली का स्टेज शो किया, फिर उसके बाद अक्षरा के साथ कलकत्ता वाला स्टेज शो किया। जैसे ही कलकत्ता वाला स्टेज शो खत्म हुआ था कि पवन की दो फिल्मों का एक साथ मुहूर्त हो गया, सात भेड़िया और विजय पथ। और अब सुनने में आ रहा है कि पवन सिंह जुट गए हैं 2018 में रिलीज होने वाली उनकी सारी फिल्मों की शूटिंग के लिए। आपको बता दें कि इस साल पवन की अभी तक कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है और उनके फैंस बेकरार हैं उनकी फिल्मों के लिए। जब पवन दिन रात फिल्मों और स्टेज शो में बिजी रहेंगे तो कैसे पत्नी ज्योति को वो टाइम दे पाएंगे, इसकी काट पवन और ज्योति ने मिलकर निकाली है। जी हाँ, अब पवन जहाँ भी जाएंगे शूटिंग करने के लिए अपनी पत्नी ज्योति को साथ लेकर जाएंगे, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके और एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सके। पवन, ये हुई ना मर्दों वाली बात। खैर जो भी है, आप दोनों का हनीमून कैंसिल जरूर हुआ है, लेकिन आप दोनों का साथ यूं ही लगातार बदस्तूर बना रहे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।